आज मैं यहाँ पे अपने किचन में बनाने जा रही हूँ प्रॉन्स बिरयानी। प्रॉन्स बिरयानी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और मैं आज इसे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, जिसके वजह से इसे बनाना आपको बहुत ही आसान होगा। अब ये बिरयानी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और जिस तरह से मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, उसी तरह से आप प्रॉन्स की जगह पे चिकन या मटन भी यूज़ कर सकते हैं। बस मटन जो है वो आप बॉईल करके डालें, जिसकी वजह से ये बनाना आसान होगा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी प्रॉन्स बिरयानी बनाने के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने प्रॉन्स ले लिए हैं, मैंने 500 ग्राम प्रॉन्स लिए थे, जिसको साफ़ करने के बाद इसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी थोड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे प्रॉन्स को अच्छे से मैंने वॉश करके अच्छे से क्लीन करके रख दिया है। आप जब प्रॉन्स ले तो इसमें काफ़ी सारी साइजेस आती है, मैंने यहाँ पे इस साइज़ की ली है, आप कोई भी साइज़ की ले सकते हैं। अब यहाँ ले लेंगे चावल, तो चावल को मैंने अच्छे से भिगो लिया है। यहाँ पर मैंने बासमती राइस यूज़ किया है, तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम बासमती राइस ले लिया है, जिसको मैंने आधे घंटे के लिए अच्छे से भिगो दिया था। तो प्रॉन्स और राइस के अलावा हमें चाहिए हरी मिर्च, तो मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्च ले ली है साबुत, जिसे मैंने लंबाई में इस तरह से कट कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, जिसको मैंने लंबा लंबा बहुत ही पतला इस तरह से चॉप कर लिया है। हरा धनिया ले लेंगे इसमें डालने के लिए और गार्निश के लिए। टमाटर ले लेंगे। अब कुछ लोग टमाटर बिरयानी में डालना नहीं पसंद करते या बिरयानी में टमाटर नहीं डलता है, लेकिन आप इस तरह से बना के देखिए, ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। अब टमाटर के अलावा मैंने लिया है पुदीना पत्ती। पुदीना पत्ती को मैंने यहाँ पे कट नहीं किया है, बस इसी तरह से इसे रख लिया है। हम इसे हाथों से तोड़ के डालेंगे। अब कुछ पाउडर मसाले और खड़े मसाले चाहिए होंगे हमें, तो खड़े मसालों में मैंने लिया है 2 तेज़पत्ता, सौंफ ले ली है आधा टीस्पून, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 काली मिर्च भी ले ली है, साथ ही में 2 आधा आधा इंच के इलायची के टुकड़े ले लिए हैं, 1 छोटी जावित्री भी ले ली है इस साइज़ की, और साथ ही में मैंने लिया है हरी इलायची। हरी इलायची को जो है हमें बीच में से इस तरह से फोड़ लेना है, और शाहजीरा ले लेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून। अब पाउडर मसालों में हमें चाहिए धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गर्म मसाला पाउडर आधा टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून, आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने जीरा पाउडर ले ली है इसमें डालने के लिए आधा टेबल स्पून, बिरयानी मसाला ले लिया है, आप कोई भी बिरयानी मसाला ले सकते हैं, आप एवरेस्ट का ले सकते हैं या तो फिर आपके यहाँ पे जो भी बिरयानी मसाला मिलता होगा आप वो बिरयानी मसाला ले सकते हैं, तो वो मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर ले लेंगे आधा टेबल स्पून। अब यहाँ पे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है कस्तूरी मेथी। जी हाँ, मैंने यहाँ पे कस्तूरी मेथी ले ली है। कस्तूरी मेथी को जो है हम हल्का सा भून के डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे इसे ऑलरेडी भून के रख लिया है, जिसकी वजह से इससे बहुत ही ज़्यादा एकदम बटरी फ्लेवर आता है। तो खड़े मसाले और पाउडर मसालों के अलावा मैंने लिया है दही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 1 कप दही ले लिया है, जिसको कि मैंने बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अदरक और लहसुन की पेस्ट ले लेंगे 1.5 टेबल स्पून। नमक हम अपने स्वादानुसार डाल। और यहाँ पे मैंने लिया है देसी घी। बिरयानी हम जब बनाएंगे, जब उसकी लेयर लगाएंगे तो उसमें डालने के लिए। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 3 फूड कलर ले लिए हैं, ये ऑप्शनल है, आप इसके जगह पे केवड़ा वाटर या तो फिर केसर वाला दूध कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, अब हमने अपने सारे के सारे इन्ग्रीडियंट्स देख लिए हैं, अब हम जल्दी से चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है कि हम ले लेंगे एक बाउल, और बाउल में डाल देंगे प्रॉन्स जो हमने अच्छे से वॉश करके रख दिए थे। तो यहाँ प्रॉन्स डालने के बाद में हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट, लेकिन यहाँ पे मैंने जितनी अदरक और लहसुन की पेस्ट ले ली थी उसमें से मैं यहाँ पे आधी ही पेस्ट डाल रही हूँ, बाकी की आधी हम जब बिरयानी का मसाला बनाएंगे तब डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा नमक। अदरक लहसुन और नमक डालने के बाद में हमने जो पाउडर मसाले लिए थे वो डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो पाउडर मसाले लिए हैं ये सारे हमें यहाँ पे नहीं डालने हैं, हम इसमें से आधे आधे मसाले यहाँ डालेंगे और आधे मसाले हम जब बिरयानी का मसाला बनाएंगे तब डालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं डालती हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और बिरयानी मसाला। साथ ही में मैं यहाँ पे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी ऐड कर रही हूँ,
अब इन सब को डालने के बाद हम अपने इसे हाथों से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक देंगे और ढक कर कम से कम 10 मिनट तक के रख देंगे, और तब तक हम चलते हैं अपनी प्याज फ्राई करने की तरफ। तो अब जब तक हमारा प्रॉन्स मैरिनेट हो रहा है तब तक हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और पैन में तेल डाल दिया है। तो अब तेल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है, हम यहाँ पे एक साथ हमें पूरी प्याज नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे चलाते हुए हमें एकदम गोल्डन और ब्राउन होने तक के अच्छे से फ्राई कर लेना है। बीच बीच में चलाते रहेंगे इसे ताकि प्याज जो है वो नीचे जाए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि प्याज का जो कलर है वो चेंज होने लगा है। जब प्याज का जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन दिखाई दे तब इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे। तो इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि प्याज का जो कलर है वो इस तरह से गोल्डन हो चुका है। हमने इसे पूरा ब्राउन नहीं किया है, बस इतना ही कलर इसका चेंज हो जाना चाहिए तभी हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि प्याज में जो है तेल ऑलरेडी रहता है। प्याज फ्राई करके निकालने के बाद में भी इसमें तेल रहता है, जिसकी वजह से इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो चालू रहती है। उसके लिए यहाँ पर प्याज को निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तब इसी तरह से हम आधी प्याज फ्राई कर लेंगे और आधी हम बचा लेंगे मसाले के लिए। और सेम पैन में हम इसे निकाल लेंगे। हमने बहुत ही अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है, एकदम ही परफेक्ट इसका कलर आ गया है। अब यहाँ पे हमने जो प्रॉन्स को मैरिनेट किया था एक बार उसे चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे जो प्रॉन्स है अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई की हुई प्याज। तो यहाँ पे जितनी प्याज हमने फ्राई की थी उसमें से आधी प्याज हमें यहाँ डालनी है, बाकी की हम ऊपर से गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। साथ ही में अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया, पुदीना पत्ती डाल देंगे, और जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि पुदीना पत्ती को जो है हम हाथों से इस तरह से तोड़ के डालेंगे। साथ ही में डाल देंगे 2 हरी मिर्च। अब हम यहाँ पे दही ऐड कर देंगे। दही को जो है हमें पूरा नहीं ऐड करना है, बस आधा दही यही ऐड करेंगे और आधा हम बाकी का मसाले में ऐड कर देंगे। अब इन सब को ऐड करने के बाद में मैं यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ ताकि इसे अच्छा सा कलर आ जाए। साथ ही में डाल देंगे थोड़े से टमाटर। यहाँ मैं आधे टमाटर यूज़ कर रही हूँ, आधे हम मसाले में बचा लेंगे। अब हम इन सब को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे फिर से ढक देंगे और ढक के इसे कम से कम 20 मिनट तक के अच्छे से मैरिनेट होने देंगे। अब यहाँ जब तक हमारे प्रॉन्स मैरिनेट हो रहे हैं तब तक के राइस को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक पतीले में मैंने पानी ले लिया है, पानी अच्छे से उबल रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने हमने राइस लिए थे उससे हम 3 गुना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे इसे बॉईल करने के लिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे सभी खड़े मसाले, तेज़पत्ता ऐड कर देंगे, शाहजीरा, सौंफ, लौंग, काली मिर्च। अब इन सबको डालने के बाद ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना पत्ता ऐड कर रही हूँ। तो पानी को यहाँ आप देख सकते हैं कि एक उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे राइस। राइस को मैंने पहले ही आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। जब भी हम बिरयानी बनाते हैं तो राइस को बहुत ही अच्छे से हमें बॉयल करना रहता है, नहीं तो हमारी सारी बिरयानी जो है वो बिगड़ जाती है। राइस जो है वो एकदम अच्छे से खिले खिले उबलने चाहिए, तभी ये बिरयानी का असली मज़ा आता है। तो ये देखिए, अब चावलों को डालने के बाद में मैं इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, मैंने लिया है एक नींबू। नींबू का हमें जो येलो ऊपर का जो पार्ट है वो इस्तेमाल करना है इसमें डालने के लिए। इसकी वजह से जो है राइस का फ्लेवर और उसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। तो यहाँ पर इसे इस तरह से इसे घिस लेंगे और इसे ऐसे घुमाते रहेंगे। ये देखिए, यहाँ पे वाइट पार्ट हमें नहीं डालना है, हम इसमें सिर्फ येलो पार्ट ही ऐड करेंगे। तो
बिल्कुल इसी तरह से अब चावलों को हमें 50% to 75% अच्छे से कुक कर लेना है। याद रखेंगे कि चावलों को पूरा नहीं उबालना है, क्योंकि जब हम बिरयानी को दम देते हैं तो बिरयानी में चावल अच्छे से पक जाते हैं। उसके लिए यहाँ पे चावल जो है बस 75% कुक हो जानी चाहिए। अब ये कैसे समझेगा, जब हम चावल उबालते हैं तो चावल जब हम वहाँ पर उबलते हैं तो चावल को एक चावल ले लेंगे और इसे इस तरह से दबा के देखेंगे। दबाने के बाद में एक कनी हाथ को लगेगी तो समझ जाना चाहिए कि 75% ये अच्छे से कुक हो चुके हैं। तब चावलों को उबाल लेते हैं। मैं इसे एक दूसरे बर्नर पर शिफ्ट कर रही हूँ। अब हम बना लेते हैं मसाला। अब मसाला बनाने के लिए मैं यहाँ पे सेम पैन यूज़ कर रही हूँ और वही तेल इस्तेमाल कर रही हूँ जब हमने ऑनियन को फ्राई किया था, प्याज को अच्छे से फ्राई किया था। तो तेल को मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है और अब यहाँ पर जो है तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च, साथ ही ऐड कर देंगे प्याज, लेकिन अब प्याज को हमें उतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसका जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए या हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जानी चाहिए, इतना फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ साथ हम डाल देते हैं अदरक और लहसुन की पेस्ट और चला लेंगे इसे भी। अब प्याज और अदरक लहसुन को हमें बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए प्याज और अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे सभी पाउडर मसाले जो हमने आधे आधे निकाल लिए थे, इसे भी अच्छे से चला लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे मसाले जो है वो जलने नहीं चाहिए, तो उसी के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पुदीना पत्ती, हरा धनिया और टमाटर। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से। तो यहाँ पे इसे अच्छे से चलाते हुए हमें तब तक कि इसे भून लेना है जब तक हमारे जो टमाटर है वो सॉफ्ट नहीं हो जाते और मसालों से तेल नहीं निकलने लगता। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे जो चावल है वो भी अच्छे से उबल रहे हैं। तो ये देखिए अब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मसालों से तेल निकलने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो प्रॉन्स मैरिनेट करके रखे थे, और इसे भी इन मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा घी ताकि प्रॉन्स जब फ्राई हो तो उसमें भी घी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है, और इन्हें अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। अब देखिए हमारे जो राइस है वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। इसे चेक तो हम इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे कि एक राइस ले लेते हैं और राइस को जो है इस तरह से दबा देंगे। ये देखिए यहाँ पे बीच में ये दब नहीं पा रहा है, एक कनी है, इसका मतलब राइस जो है वो 75% अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे स्ट्रेनर से पानी निकाल लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि तेल ऊपर आ गया है और जो हमारे प्रॉन्स है वो बहुत ही अच्छे से मसाले में फ्राई हो रहे हैं। बस इसी स्टेज पे हम ऐड कर देंगे बचा हुआ दही। और इसे अच्छे से चला लेते हैं, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इस मसाले को जो है हमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक के अच्छे से पका लेना है, या तब तक अच्छे से पका लेना है जब तक जो ये सारा मसाला है ये जितना वाटरी ऐसे दिख रहा है वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता। बीच बीच में चलाते रहेंगे इसे ताकि मसाला नीचे लगे ना। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और इस तरह से यहाँ पे तेल ऐसे ऊपर आ जाना चाहिए तभी ये जो मसाला है अच्छे से पक जाता है। और इस एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर प्रॉन्स जो है वो भी परफेक्टली एकदम कुक हो जानी चाहिए। ये प्रॉन्स ले लेंगे और एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे प्रॉन्स जो है वो भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब यहाँ पे दूसरा कोई पैन गंदा ना करते हुए या दूसरे ये जो तेल और मसाला इस पैन को लगा हुआ है ये वेस्ट ना करते हुए हम इसी पैन में थर्व लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे इसे पहले एक प्लेट में निकाल लेते हैं सारा मसाला। तो ये देखिए अब मैंने मसाले को निकाल लिया है। यहाँ पे मैं सेम पैन यूज़ कर रही हूँ, इसके वजह से मेरा जो पैन है वो ऑलरेडी ऑयली है, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा तेल या घी नहीं डाल रही हूँ। आप अगर दूसरे पैन में बना रहे हो तो इसमें थोड़ा सा नीचे घी या ऑयल लगा दे ताकि चावल जो है वो नीचे चिपके ना। अब हम इसमें डाल देते हैं राइस,
तो जितने राइस हमने कुक किए हैं उसमें से हमें बस आधे राइस यहाँ पे डालने हैं। अब हम यहाँ पे इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया पत्ता और साथ ही में डाल देंगे पुदीना पत्ता। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे घी। घी जब हम लेयर में लगाते हैं तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैं इसे यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे थोड़ा सा घी ऐड कर दें। साथ ही में डाल देंगे फ्राइड ऑनियन। और अब हमने जो मसाला बना के रखा था वो यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये देखिए, अब मैंने इसे यहाँ पे डाल दिया है। अब इसे एकदम अच्छे से हम स्प्रेड कर लेते हैं और अब फिर से हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पुदीना पत्ता। अब लगाएंगे इसकी सेकेंड लेयर, यहाँ डाल देते हैं राइस। तो राइस को अब डालने के बाद में फिर से हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा घी। अब डाल देंगे थोड़े सा, साथ ही में डाल देते हैं पुदीना पत्ता। अब हम डाल देंगे इसमें फूड कलर। तो यहाँ पे मैंने जो ग्रीन और येलो फूड कलर लिया था वो यहाँ पे डाल देते हैं। येलो फूड कलर को भी मैंने अच्छे से पानी में मिक्स कर लिया है और इसे भी डाल देते हैं। अब यहाँ पे साथ ही में मैंने जिस प्लेट में मसाला निकाला था उस प्लेट में थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे रह गया है, वही ऑयल मैं यहाँ पे ऊपर से डाल रही हूँ ताकि इसका जो कलर है वो भी आ जाए और इन सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो भी इसमें अच्छे से रह जाए। अब हमारी जो लेयर है वो बहुत ही अच्छे से लग चुकी है। अब हम इसे ढक देंगे और पहले 2 मिनट तक के हम इसे हाई फ्लेम पे पकने देंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे कम से कम 10 से 15 मिनट तक के पकने देंगे। और यहाँ पे इसकी जो स्टीम है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लौंग यहाँ पे लगा दी है ताकि इसकी जो स्टीम है वो बाहर ना जाए। आप अगर चाहें तो इसे आटे से भी साइड से कवर कर सकते हैं। तो अब इसे 10 से 15 मिनट तक के अच्छे से कुक करने के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो बिरयानी है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अब हम इसे अभी तुरंत नहीं खोलेंगे, बस 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसका ढक्कन हटा देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, इसका ढक्कन हटा लेते हैं। वाह, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और हमारी बिरयानी जो है वो एकदम बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसे सर्विंग डिश में निकाल लूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारी बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और इसे मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। बहुत ही परफेक्टली हमारी बिरयानी कुक हुई है। आप देख सकते हैं कि एक एक जो राइस है वो बहुत ही अच्छे से सेपरेटली कुक हुआ है और हमारी जो प्रॉन्स है वो भी अच्छे से कुक हो चुकी है और टेस्ट तो बहुत ही डिलीशियस है। तो आज की हमारी ये बहुत ही सिंपल रेसिपी तैयार है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।